हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन टॉपिक के बारे में, जो कि है हीटिंग इश्यूज ऑफ रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। एंड द सेकेंड थिंग दैट आई जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जो ऑयल हमने डलाया था V300, उससे क्या फ़र्क पड़ा है मुझे परफॉर्मेंस में, क्या फ़र्क पड़ा है मुझे पिकअप में, क्या फ़र्क पड़ा है मुझे और किसी चीज़ में। तो आज इन सब चीज़ों के ऊपर करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें। बट वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मीटियोर 350 के बारे में। तो इसके बारे में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा हीटिंग इश्यूज़ हैं। तो गाइज़ देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा मैं। आप जानते हैं कि मैं किसी भी तरीके से बायस्ड ओपिनियंस नहीं देता हूँ। अगर कोई चीज़ ख़राब है तो मैं ख़राब ही कहता हूँ, और अगर कोई चीज़ अच्छी है या लॉजिकली सही है तो मैं उसको भी सही ही कहता हूँ। तो गाइज देखिए, क्या है कि मीटियोर 350 इट्स अ ब्रांड न्यू जे सीरीज़ इंजन, जो आप मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे हैं ये इंजन, दिस इज़ द जे सीरीज़ इंजन जो कि ये है। तो गाइज अब है क्या, पहले तो आप इस बात को समझिए, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रोक इंजन। ये जैसे कि आप कन्वेंशनल गाड़ियाँ देखते हैं उसमें क्या होता है, जैसे कि KTM हो गई या डोमिनार हो गई, ये गाड़ियाँ जो हैं ये हैं शॉर्ट स्ट्रोक गाड़ियाँ, यानी कि इनके जो पिस्टन का ट्रैवल टाइम है वो बहुत कम होता है। और रॉयल एनफील्ड की अगर हम बात करें तो ये होती हैं लॉन्ग स्ट्रोक गाड़ियाँ, यानी कि इनके पिस्टन का जो ट्रैवल टाइम है सिलेंडर किट के अंदर वो काफ़ी लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू दी स्पोर्ट्स बाइक्स। तो होता क्या है कि ये गाड़ी अपने मैक्सिमम RPM 5,500 से 6,000 RPM के अंदर ये अपना मैक्सिमम टॉर्क और मैक्सिमम पावर को अचीव कर लेती है, यानी कि जो पिस्टन के अंदर क्रैंक शाफ्ट चल रहा है ये RPM उसके होते हैं, यानी कि जो क्रैंक चलता है ऐसे करके इसके अंदर ऐसे क्रैंक होता है, एक ऐसे क्रैंक होता है और उसके ऊपर ऐसे करके एक रॉड होती है, वो रॉड ऐसे करके चलती है। तो वो रॉड जो होती है वो 6,000 राउंड्स पर मिनट मैक्सिमम पे अपनी मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क को प्रोड्यूस कर देती है, क्योंकि ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। अब शॉर्ट स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि वहाँ पे RPM जो होते हैं वो 10,000 12,000 तक भी जाते हैं, जिसकी वजह से फिर फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होता है, जिसकी वजह से गाड़ियों को हीटिंग ज़्यादा होती है। अब मीटियोर के साथ क्या समस्या है, या कह सकते हैं कि क्या मिथ है जिसकी वजह से सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वो ये है कि गाड़ी 5,500 किलोमीटर चलाने के बाद काफ़ी हीट हो रही है। तो गाइज़ उसके पीछे एक रीज़न है, रीज़न ये है कि गाड़ी आप लोगों की ज़्यादातर अभी रन इन पीरियड्स में ही होंगी, यानी कि तकरीबन अराउंड 2,000 किलोमीटर, बहुत ही कम लोग होंगे जिनकी गाड़ियाँ 2,000 किलोमीटर प्लस चल गई हैं। अब जैसे मैं अपनी गाड़ी की बात करूँ तो शायद 936 किलोमीटर ही मैंने अब तक चला पाई है। तो होता क्या है कि एक इंजन के हर पार्ट को, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन है, बिल्कुल ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी है, तो अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनमें आपस में फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। तो उन पार्ट्स को अपनी जगह सेट होने में और फ्रिक्शन को काफ़ी कम होने में तकरीबन 2,000 से 2,500 किलोमीटर कम से कम लगते हैं सेट होने के लिए, जिसके बाद आपकी गाड़ी की हीटिंग इश्यूज अपने आप कम हो जाएंगे। तो ये जो, इसीलिए अगर आप देखेंगे, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आप लोगों से कहा था कि 2000 किलोमीटर तक गाड़ी को बहुत ज़्यादा तेज़ मत चलाइए, 50-55 के अंदर चलाने की कोशिश कीजिए। उसके पीछे का रीज़न ही ये था कि जब आप ज़्यादा तेज़ गाड़ी को चला रहे हैं, तो मान लीजिए ये दो पार्ट्स हैं और ये दोनों एक साथ कनेक्टेड होते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते हैं तो आपके पार्ट्स में फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से आपके पार्ट्स का वियर एंड टीयर ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप 2,500 तक
आराम से चलाते हैं तो जो फ्रिक्शन होता है वो लेस होता है और वो पार्ट उतना ही घिसता है जितना कि उसको आइडली घिसना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी गाड़ी की इंजन लाइफ बढ़ जाती है। यानी कि अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो जो आपका रिंग और पिस्टन होता है जो कि आपके चैम्बर के अंदर चलता है, उसकी जो रबिंग्स होती हैं वो उतना ही स्पेस बनाती हैं जितना उन्हें एक्चुअली में बनाना चाहिए। तो अब क्या होता है, अभी इनिशियली नई गाड़ी होती है, सबका मन करता है भगानी है, मेरा भी मन करता ही है भगाऊं, लेकिन अब अगर आप इसको प्यार से चलाते हैं 2 से 2500 किलोमीटर तक, क्योंकि अभी इंजन सेट हो रहा है तो आपको हीटिंग के इश्यूज़ मिलेंगे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप 2000-2500 चला चुके होंगे तो आपको ये हीटिंग इश्यूज़ की समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी। अब इसके साथ साथ बात करते हैं कि अगर मैं रन इन पीरियड में ही कम करना चाहता हूँ हीटिंग इश्यूज़ तो क्या कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप रन इन पीरियड में ही हीटिंग इश्यूज कम करना चाहते हैं जैसे कि मैं चाहता था, तो आप एक बेटर ऑयल यूज़ कीजिए। जैसे कि मैंने यूज़ करा है मोटूल V300 ऑयल अपनी गाड़ी में। तो अब अगर मैं इस ऑयल की खासियत की बात करूं तो इस ऑयल की खासियत ये है कि ये हीट रिटेनिंग कैपेसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि ये हीट को डिसिपेट करता है, हीट को बहुत जल्दी जो है वो लूज़ करता है और अपनी प्रॉपर्टीज़ में वापस आता है। सिमिलरली अगर हम बात करें लिक्विड गन इंजन ऑयल की, तो ऑयल अच्छा है, कंपनी ने प्रोवाइड करा है बिल्कुल, लेकिन क्या है कि लिक्विड गन हीट जल्दी होगा और ठंडा देर में होगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपको गाड़ी की हीटिंग ज़्यादा पता चलती है। अब बात करता हूँ कि मैंने V300 डलवाया था अपनी सर्विस में और अब इसका मुझे क्या बेनिफिट मिला। तो गाइस, V300 ऑयल डलवाने के बाद से जो चेंजेस मैंने फिज़िकली अपनी गाड़ी में फ्रॉम द स्टार्ट महसूस किए हैं, नंबर वन, स्टार्टिंग बहुत स्मूथ हो गई है, नंबर टू, इंजन अब पहले से ज़्यादा मुझे पेपी लगता है, यानी कि और ज़्यादा पावरफुल लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि BHP ऐड हो गए हैं, लेकिन एक स्लगिश इंजन और एक पेपी इंजन में फ़र्क होता है। तो अब मुझे इंजन पहले से ज़्यादा पेपी लगता है, गियर शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, यानी कि अब गियर शिफ्ट्स के टाइम पे मुझे बिल्कुल भी खट खट जो आवाज़ें आती थी टिपिकली वो बिल्कुल भी नहीं आती हैं, और जो एक्सेलरेशन है गाड़ी का उसमें मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हो रहा है। तो ये हैं वो चीज़ें जो कि मैंने अब तक महसूस की हैं V300 ऑयल को यूज़ करने के बाद। और हाँ, एक पॉइंट मैं ज़रूर यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि मैंने डेफिनेटली फील किया है कि ऑयल का डालने के बाद से मेरे इंजन की स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है, वाइब्रेशंस भी काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, और उसके साथ साथ जो मैं फील कर रहा हूँ वो ये है कि डेफिनेटली माइलेज में भी कुछ 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस है। हालांकि मैंने अभी एग्जैक्ट माइलेज को चेक नहीं किया है, लेकिन हाँ, मुझे कुछ ना कुछ एडिशन देखने को मिला है। सो ये थी वो चीज़ें जो कि हीटिंग इश्यूज़ की अगर हम बात करें, तो ये थी वो चीज़ें कि अगर हम हीटिंग इशू के बारे में बात करें या फिर ऑयल के बारे में बात करें, तो ये डिफरेंसेस हैं जो इस ऑयल ने मेरे बाइक में क्रिएट करा है। आप लोग इसको डलवा सकते हैं और आप खुद ये डिफरेंस लाइव फील कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।